Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. हम हमारे पिछले lectures में 10 plus 2 के पहले unit electrostatics के दो chapter discuss कर चुके हैं, जो कि हैं electric charges and electric field. इस lecture में हम electrostatics का third chapter शुरू करेंगे, जिसका नाम है electric potential and flux. तो सबसे पहले हमें देखना है कि पोटेंशियल क्या टर्म है. तो पोटेंशियल यूज किया जाता है टू शोकेस द एबिलिटी टू परफॉर्म सम टास्क. मींस किसी चीज में कितना पोटेंशियल है, यह हमें बताता है उसकी क्षमता कोई काम करने की. सो इन जनरल पोटेंशियल इज टर्म्ड एज द एबिलिटी टू परफॉर्म सम टास्क. जैसा कि हमने 10 प्लस 1 में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, वो हमने देखा था कि किसी भी बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड में उसकी पोजीशन के कारण उसके पास एक एनर्जी होती है, उसे कहा गया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी. वैसे ही एक चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पोजीशन के कारण उसके पास एनर्जी आती है और इस एनर्जी को टर्म किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. लाइक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड, वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टर्म क्या है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक पॉइंट से रिलेटेड टर्म है और ये पॉइंट किसी चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो सपोज करो यहां पर एक चार्ज क्यू होगा और उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है यहां पे, और इस पॉइंट में इस चार्ज के कारण यहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बनता है. और वो पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं, ये पोटेंशियल इक्वल होता है उस वर्क के जो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे करना पड़ता है जब उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने में जितना काम करना पड़ेगा. So that means the potential at a point in a region of electrostatic field is the minimum work done in carrying a unit positive charge without acceleration from infinity to that point. इस point पे कितना potential होगा वो equal to होगा उस work के जो एक unit positive charge पे करना पड़ेगा उस unit positive charge को infinity से इस point पर लाने. और एक टर्म हमने यूज की यहां पे विदाउट एक्सेलरेशन, इसका मतलब है इस चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट में ला रहे होंगे तो हमने उसको एक्सेलरेट नहीं करना है, क्योंकि ये सारा जो वर्क हम इस चार्ज पे करेंगे इस पॉइंट पे लाने में वो सारा वर्क इस चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा. और अगर हम उसको एक्सेलरेशन देंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी और उसमें वर्क डन उस काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा, जो कि हमने कंसीडर नहीं करनी है. दैट इज व्हाई वी से द चार्ज विल बी मूव विदाउट एक्सेलरेशन. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक पॉइंट से रिलेटेड टर्म हो गई और ये पॉइंट किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में है. तो हमें पता लग गया कि पोटेंशियल इक्वल टू होता है मिनिमम वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और ये वी से डिनोट की जाती है, कैपिटल वी से. और इसका एक्सप्रेशन होता है कैपिटल वी इज इक्वल टू ई इंटू आर, जहां पर ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. जिस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और उस पॉइंट की कितनी दूरी है उस चार्ज से जिस चार्ज के कारण वो पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे बन रही है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब उस पॉइंट की दूरी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उस चार्ज से, तो E into R जो होता है वो आ जाता है हमारे पास पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. तो E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इससे पिछले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन देख लिया था, तो वो था 1/4πε0 Q by R square. तो Q था वो चार्ज जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है और R थी वो दूरी उस चार्ज से जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो R का स्क्वायर कर दिया. और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को R से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो वो आ जाएगा पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर इनटू R. तो R से R कैंसिल हो गया तो V की वैल्यू आ गई 1/4πε0 Q बाय R.
तो ये है पोटेंशियल एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द चार्ज क्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, तो इसको वोल्ट में मेजर किया जाता है और इसकी यूनिट हो सकती है जूल पर कूलम। तो जैसा कि हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मींस वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो वर्क के यूनिट होते हैं जूल्स और चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम, तो जूल्स पर कूलम में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को मेजर किया जा सकता है। जूल्स को और सिंप्लीफाई करके हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के यूनिट न्यूटन मीटर पर कूलम भी हो सकते हैं। तो ये तीनों यूनिट हो सकते हैं, वोल्ट भी हो सकते हैं, जूल पर कूलम भी हो सकते हैं और न्यूटन मीटर पर कूलम भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के यूनिट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि हमने बताया कि पोटेंशियल जो था वो एक पॉइंट से रिलेटेड टर्म थी, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा करके एक पॉइंट पे लेके आने में जितना काम करना पड़ता है वो उस पॉइंट का पोटेंशियल है। और अगर यहां पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना उठा करके किसी चार्ज क्यू को लेके आए, तो सपोज करो एक एक पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आने में हमारे को 5 जूल्स वर्क करना पड़ता है, 5 जूल, तो वहां का पोटेंशियल कितना हो गया 5 जूल पर कूलम। एक कूलम चार्ज को लेके आने में 5 जूल वर्क करना पड़ा, तो अगर वो चार्ज एक कूलम ना होकर 10 कूलम होगा तो वहां पर अगर हमने देखना है कितनी एनर्जी वहां पर आएगी या कितना काम करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे उस 5 जूल पर कूलम वोल्ट जो हमारे पास पोटेंशियल था उसको हम 10 जूल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 जूल पर कूलम इंटू 10 कूलम, तो हमारे पास कूलम से कूलम कट जाएगा, तो 5 × 10 50 जूल हमें काम करना पड़ेगा, और ये काम हमारे को उस चार्ज में एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो अगर एक चार्ज Q को इन्फिनिटी से उठा करके एक पॉइंट में लाने में हमें W काम करना पड़ता है, तो वो वर्क उस चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बनती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो यहां पर दो चीजें समझने की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है, तो पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा करके लाने में जितना काम करना पड़ता है वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, और अगर एक चार्ज क्यू को उठा करके उस पॉइंट पे लाया जाए तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जितना उस क्यू चार्ज में करना पड़ेगा तो उसको कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। तो अगर हम दो पॉइंट कंसिडर करते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो सपोज करो कैपिटल क्यू चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो इन दोनों ए और बी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी होगा, और जब हम क्यू चार्ज को यहां पे लाके रखेंगे तो उस क्यू चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। तो अगर हम उस एनर्जी का डिफरेंस निकालना चाहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए इज डिफाइंड एज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड to be done by any external force in moving without acceleration a test charge Q from A to B. Means A से B में electrostatic potential energy का difference क्या होगा, जितना काम हमें करना पड़ेगा B से A एक charge Q को उठाकर लाने में। तो अगर हम UB मान लें potential energy at point B है और UA मान लें potential energy at point A है, तो इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा यू होगा यू बी माइनस यू ए जो कि इक्वल होगा डब्ल्यू ए बी, मींस ए से बी लेके जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज पे उसे कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो यू बी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू एट पॉइंट बी और यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू एट पॉइंट बी। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, और वैसे ही उन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल का भी डिफरेंस हो सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दो पॉइंट्स में, उन दोनों पॉइंट्स पे यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा और उस पोटेंशियल का डिफरेंस कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो मान लो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है बी ए,
और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वी बी, तो ए और बी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वी बी माइनस वी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ दीज टू पॉइंट। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ले लो, तो हमने जैसा कि मान लिया कि बी ए हमारा पोटेंशियल है ए पॉइंट पे और बी बी है हमारा पोटेंशियल बी पॉइंट पे, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें बी बी माइनस वी ए करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा बी बी माइनस वी ए, और बी बी क्या होगा पोटेंशियल एट बी। तो हमने देखा पोटेंशियल एट बी क्या होता है, वर्क करना एक चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब वर्क पर यूनिट चार्ज होता है, तो हम मान लेते हैं वर्क मान लिया डब्ल्यू बी पर यूनिट चार्ज Q, तो Q चार्ज पर डब्ल्यू बी वर्क करना पड़ा, तो डब्ल्यू बी बाई क्यू हो गया यहाँ का पोटेंशियल, और वहीं पर A पे कितना पोटेंशियल होगा डब्ल्यू ए बाय क्यू, तो डब्ल्यू ए वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A मान लिया डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए बाय क्यू हो गया पोटेंशियल एट A, तो Q नीचे आ गया डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी एट पॉइंट B माइनस वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी एट पॉइंट A आ गया। तो ये वर्क B पे लाने में उस चार्ज में क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया होगा, तो वर्क B डब्ल्यू बी को हम यू बी भी लिख सकते हैं और डब्ल्यू ए को हम यू ए भी लिख सकते हैं, तो यू बी माइनस यू आ गया मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो इससे पहले हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी लेके जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वही उन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, तो इसको यू बी माइनस यू ए को मैं डब्ल्यू ए बी भी लिख सकता हूं, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया डब्ल्यू ए बी अपॉन। So potential difference is also defined as the work done per unit charge. It is independent of the path followed by the charge in going from A to B. तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर चार्ज Q को लेके जाना पड़े तो उस पर जितना काम करना पड़ेगा that work done per unit charge is the potential difference between these two points. और ये potential difference पाथ का इंडिपेंडेंट होता है, तो पाथ का मतलब ए से बी जाने में चार्ज कोई मर्जी पाथ हम पकड़े उसकी, बेशक ये पाथ से चले जाएं, बेशक ऊपर वाली पाथ से चले जाएं, बेशक नीचे वाली पाथ से, बेशक सबसे नीचे वाली पाथ से, जब तक ये पॉइंट दो नहीं बदलेंगे तब तक इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इनडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो। अगला आ गया वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, तो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट कब होगा, तो हमने देख लिया पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट कब होगा जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक कूलम चार्ज को लेके जाने में एक जूल काम करना पड़ेगा, तो जब ये वन जूल हो जाएगा और क्यू वन कूलम हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा वन जूल पर कूलम और वन वोल्ट। इसका मतलब हुआ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाने में अगर वन जूल वर्क करना पड़े तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आ जाता है वन वोल्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज सेड टू बी वन वोल्ट व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ वन कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द फील्ड विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो बिना तो हमारे पास क्या हो जाएगा वन कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाने में वन जूल वर्क करना पड़े तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वन वोल्ट। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या टर्म है, ये टर्म एक पॉइंट से रिलेटेड है जो एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है ये इक्वल होता है उस वर्क डन के जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे करना पड़ता है जब हम उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे उठा करके लाते हैं और वो भी विदाउट एनी एक्सेलरेशन। हमने वो पोटेंशियल के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के यूनिट्स देखे वोल्ट जूल पर कूलम या न्यूटन मीटर पर कूलम होते हैं, और अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना होकर कोई चार्ज Q को इन्फिनिटी से उठा करके उस पॉइंट पे लाया जाए तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जितना करते हैं हम वो उस चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसमें स्टोर हो जाता है।
उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देखा। तो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, मतलब फर्स्ट पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर यूनिट चार्ज। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। और ये डिफरेंस जो है 1 वोल्ट तब होता है जब 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाने में 1 जूल काम करना पड़ता है। तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1 वोल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।